अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं बना रही हूँ मिनी सॉसेज रोल्स। सॉसेज रोल्स बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। सबसे पहले आप मिनी सॉसेजेस ले लें। आप अगर चिकन के चाहें तो चिकन के, वरना बीफ सॉसेजेस भी ले सकते हैं या फिर चीज़ सॉसेजेस भी ले सकते हैं। सॉसेजेस लेने के बाद उनको नमक और करी पाउडर के साथ मैरिनेट कर लें, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें करी पाउडर और नमक के साथ। अगर आपके पास मिनी सॉसेजेस ना हो तो आप नॉर्मल साइज़ के जो सॉसेजेस होते हैं वो लेकर उनमें से हाफ कर लें, जिस तरह से मैंने किया है। ये सॉसेजेस अच्छी तरह से नमक और करी पाउडर के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब मैं इसको सॉसेजेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि मसाला इनके साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप करी पाउडर की जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। सॉसेजेस को फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें समोसा रैप्स के अंदर रोल की तरह लपेट लेंगे। मैंने यहाँ पर रेगुलर साइज़ के जो समोसा रैप्स होते हैं वो लिए हैं। आप चाहें तो जो रोल के जो रैप्स होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इनको इसी तरह से लपेट लेती हूँ। ये ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं फ्राई करने के बाद, तो आप भी एक दफ़ा इनको इस तरह से ट्राई करके देखें। जो नॉर्मल समोसा रैप्स होते हैं वो ले लें और उनके अंदर इनको इस तरह से रोल करते जाएँ और उसके बाद आखिर में इनको मैदा या पानी के साथ जो हम लही बनाते हैं उससे स्टिक कर लें। मैं इसको सिंपल से पानी के साथ ही स्टिक कर रही हूँ यहाँ पर आखिर में, और इस तरह मैं इन सबको लपेट लूँगी और रोल्स की शक्ल दे दूँगी। अब हम इन रोल्स को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इनको फ्राई करने से पहले 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब मैंने फ्राई कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है और इनको बस दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करना है और बहुत ही मज़ेदार से सॉसेजेस रोल्स तैयार हो जाएंगे हमारे पास। ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है और इसके अंदर बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स हैं, सिर्फ 4 ही इन्ग्रीडियंट्स हैं कुकिंग ऑयल के अलावा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान और मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगे। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।
बहुत ही मज़ेदार मिनी सॉसेज रोल्स तैयार हैं, इन्हें ज़रूर बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।